रोटी, ये पांचों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमारा शरीर को तंदुरुस्त करते हैं, बीमार को हटा देते हैं, हमारा जीने का मकसद देते हैं, हमारा मन को संतुलन कर देते हैं, जो मन से जो बीमारी पैदा हो रहा है उसको भी निकाल देते हैं। पांचों चीज के द्वारा हमारा बीमार बांधता है। और पहले जमाने में इस पांचों चीज के ऊपर ध्यान दिया जाता था, आज केवल एक ही चीज के ऊपर ध्यान दे रहा हूं, मेडिसिन के ऊपर। पहले डॉक्टर धीरज से वो पेशेंट को सुनते थे, जो कहां कहां उसका क्या प्रॉब्लम है, कहां से प्रॉब्लम शुरू हुआ, और उस सुनते हुए उसके अंदर में ध्यान के द्वारा प्रवेश करते हुए कहां कहां विचार अटक गया उस विचार को निकालते थे। दूसरा बात क्या था, उसके बाद मेडिसिन के पहले एक चीज बोलता है, नो मेडिसिन बेस्ट मेडिसिन। ये जानते हो, नो मेडिसिन इज द बेस्ट मेडिसिन। जब कोई मेडिसिन बाहर से नहीं देते हैं वो तो सबसे बेस्ट मेडिसिन है, वो सबसे बड़ा डॉक्टर है। क्यों, आप जो हम खाना के द्वारा और मेडिसिन के द्वारा जो हम दे रहा हूं केवल 1% रोग को हम ठीक कर रहा हूं। उसके साथ साथ डॉक्टर ने क्या देते थे, पोथ्य, मीन्स खाना किस किस प्रकार का खाना चाहिए। जैसे हमारा यहाँ पे गोभी सिद्धर को वो ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, किस प्रकार का खाना किस बीमार के लिए नहीं चाहिए और किस प्रकार का खाना चाहिए जिससे हमारा बीमार को ठीक किया जा सकते हैं। उसके वो होता है हमारा आत एलिमेंट को बैलेंस कर रहा है। उसके साथ साथ पानी, पानी पीना, कितना परिमाण पानी पीना चाहिए और कैसे पानी पीना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो बीमार को तीन गुना सपोर्ट करते हैं, तीन गुना से उसको सेव करते हैं। पानी देखिए, क्यों पानी का पीने का महत्व होती है, शरीर का जो एक भाग मिट्टी है, मिट्टी का भाग है, तीन भाग पानी है, तो ये तीन गुना पानी तो हमको पीना चाहिए। जितना खाना खा रहा हूं उससे तीन गुना पानी तो पीना चाहिए। खाना जितना खा रहा हूं वो सारे एसिडिक है, पानी एक प्रकार एक चीज होती है अल्कालिन, और वो भी पानी क्या है, नेचुरल जो पानी होती है, जो बारिश का पानी होती है, जो मिट्टी का अंदर से जो आम सोर्स के झरना का जो पानी होती है वो हमारा असली पानी होती है, जो होता है 7.369 उसमें हमारा पीएच मिलता है। लेकिन आज हम सब दिमागदार आदमी हो, हम बोतल का पानी भी इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको मालूम है इसका पीएच कितना है, 6.5। ये बोतल में आज जो मिनरल वाटर कहा जा रहा है वो मिनरल को हटा के केमिकल मिला के आज मिनरल वाटर बन रहा है, और उसको ही हम इस्तेमाल कर रहा हूं। हम कितना दिमागदार आदमी हूं, सोच सकते हो। और बहुत सारे आदमी को जो सॉफ्ट ड्रिंक का बहुत पसंद होती है आज का जमाना में, ये मालूम है कितना खतरनाक चीज होती है। किसी भी प्रकार का सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लो, उसका पीएच होता है 2.5 to 3, मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड। किसी भी प्रकार का सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर एक मांस का पिंड रख दो, 4 घंटे के अंदर डिजॉल्व हो जाती है। एक हड्डी का पीस रख दो, वो 24 घंटा में डिजॉल्व हो जाती है, तो हमारा अंदर का हड्डी को, हमारा अंदर का मांस को वो बर्बाद कर रहा है, और उसी में हम लोग खुशियां हूं। तो ये पानी, पानी का किस प्रकार का पानी पीना चाहिए, कितना मात्रा का पानी पीना चाहिए, ये डॉक्टर हमको उसमें साजेस्ट करते थे। तीसरा क्या है, ब्रेथ, सांस, वो होता है 9 गुना 9 टाइम्स हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो पहले जमाना में डॉक्टर ने ब्रीदिंग एक्सरसाइज देते थे, किस प्रकार का ब्रीदिंग करना है। देखिए आज नॉर्मली हम लोग जब ब्रीदिंग करता हूं तो नॉर्मल आदमी का ब्रीदिंग प्रोसेस, अच्छा आप लोग एक बार एक मिनट का एक प्रोसेस करेंगे, सब खड़ा हो जाइए, देखिए इसका कितना महत्व है। एक बहुत सिंपल तरीका है, देखिए इसका एक मिनट के अंदर में हमारा शरीर के अंदर में कितना एनर्जी फ्लो हो रहा है, कितना टॉक्सिन्स निकल रहा है, और कितना हम लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। तो सब नाभि में एक कोई आदमी आ सकते माइक्रोफोन को कैच करने के लिए, आप नहीं, कोई आए, कोई आए। तो बाएं हाथ को
स्टोमक में रखिए, नाभि में, बाएं हाथ को नाभि के अंदर आप कपड़ा के ऊपर रखिए, कोई दिक्कत नहीं, कपड़ा के ऊपर ही रखिए, बाएं हाथ को नाभि के ऊपर और दाहिने हाथों को ऊपर में रखिए। तो आप हम लोग क्या करेंगे, केवल 18 ब्रेथ करेंगे। तो ब्रेथ का कुछ नियम है, उस नियम को हम पालन करेंगे। पहले क्या है ना, ब्रीथ, जब ब्रीथ इन कर रहा हूँ, जब सांस ले रहा हूँ, तो पेट जितना संभव हो बाहर जाना चाहिए। आज जब सांस छोड़ रहा हूँ, जितना संभव हो पेट को अंदर में लेकर जाना चाहिए। तो एक ये समझ में आ गया सबको, ब्रीथ इन में पेट जितना बाहर आना चाहिए उतना बाहर लेना है, और ब्रीथ आउट में जितना अंदर लेना है उतना ले सकता हूँ, बाय प्रेसिंग। तो ये क्लियर हो गया। उसके साथ साथ ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट में कोई गैप नहीं रहेगा, मीन्स होल्डिंग नहीं है, स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ इन के साथ साथ जब कंप्लीट हो गया ब्रीथ आउट। दो नियम मालूम पड़ गया। तीसरा, ब्रीथ इन लंबा टाइम से होगा, ब्रीथ आउट शॉर्ट टाइम। जितना 3 गुना टाइम में ब्रीथ इन करना है, 2 गुना समय पे ब्रीथ आउट करना है, 3:2 रेशियो। तो उसके बाद जब हम एक क्रिया कर रहा हूँ, आज्ञा चक्रस में आप अपने आँखों को फोकस रखिए, आज्ञा चक्रस में फोकस रखिए, और अवेयरनेस नाभि में रहेगा। क्लियर हो गया। अभी हम लोग क्रिया शुरू करेंगे, सब तैयार हैं। आज्ञा चक्रस में मन को स्थिर कीजिए, आँखों को स्थिर कीजिए, अवेयरनेस को मणिपुर चक्रास में। पहले ब्रीथ आउट कीजिए, स्टार्ट, आँख बंद कर दीजिए, आँख बंद करके हाथों को पूरी तरफ से रिलैक्स कर दीजिए। शरीर के अंदर एनर्जी फ्लो को फील करते रहिए, शरीर हिलते रहे तो हिलने दीजिए, लेकिन अपने मर्जी से नहीं, नेचुरली जो हो रहा है होने दीजिए। सारे जॉइंट को ढीला छोड़ दीजिए, लूज कर दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। कुछ एनर्जी फील हो रहा है? हो रहा है माँ? कैसे? गुड। किसी और किसी को फीलिंग्स हुआ? लाइटन जी, इस क्रिया को और तुरंत आपको पता लगेगा, इसको थोड़ी फास्टर करना है। ये पहला क्लींसिंग था, इसीलिए सबको शुरू में उतना पता नहीं लगेगा, लेकिन दूसरा में आपको पता लगेगा। इस क्रिया को 1 मिनट के अंदर 36 ब्रेथ करेंगे। 18 था, अभी 36 ब्रेथ करेंगे। 1 मिनट के अंदर 36 ब्रेथ लेंगे। तैयार है? Thank you.
आंख बंद करके अपनी एनर्जी फ्लो देखते रहिए, ठीक करते रहिए। शरीर का सारे चैन को ढीला कर दीजिए, लूज कर दीजिए। बॉडी हिलने चाह रहा है हिलने दो, मूव करने चाह रहा है मूव करने दो, लेकिन अपने मर्जी से नहीं। धीरे धीरे आप मुझे कभी किसी कितना आदमी को फीलिंग हुआ? गुड, फिर हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कितना कितना आदमी को फीलिंग्स हुआ? गुड। अच्छा, आवाज फीलिंग कितना आदमी को हुआ वही प्रश्न पूछा जा रहा है। कितना आदमी को फीलिंग्स हुआ जो एनर्जी फ्लो हो रहा है? गुड, गुड। तो देखिए, केवल एक मिनट का एक्सरसाइज है। प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए, बैठ जाइए। केवल एक मिनट का जो प्रैक्टिस है, तो इसी से हमारा शरीर का अंदर का क्लेंसिंग शुरू हो रहा है। तो इसी प्रकार ये ब्रेथ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारा शरीर को क्लेंसिंग करते हैं, एनर्जी फ्लो होना शुरू कर देते हैं। ये 9 टाइम बीमारी को ठीक कर देते हैं। मेडिसिन तो आवश्यकता है, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ ये भी मेडिसिन है, जो ब्रेथ, पानी पीना, किस प्रकार का खाना खाना चाहिए, ये सारी मेडिसिन के अंदर ही आता है। चौथा चीज क्या है? हमारे विचार। विचार सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो हमारा बीमार को 27 टाइम्स हमको बढ़ा देते हैं। जो गंदा विचार, एक एक गंदा विचार आते हैं ना, वो हमारा जिंदगी को बेकार बना देते हैं 27 टाइम्स। तो उस विचार को शुद्धिकरण करना, विचार को शुद्धिकरण करने के लिए क्या चाहिए था? मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान के द्वारा हम जब तक उसको ले तो 27 टाइम्स हमारे बीमार को ठीक कर देता हूं। और आखिरी पॉइंट जो है, ये होता है फायर एलिमेंट। देखिए, जब किसी ने किसी के आपके बारे में कुछ बोल दिया, जानते हो आपके बारे में कुछ बोला, कुछ गंदा, कुछ जो बात कह दिया, तो हम सुनते हुए गुस्सा पैदा हो जाता हूं, और अच्छा से बोलते हैं तो ठंडा हो जाता हूं, है ना। तो ये हमारा कान क्या है ना, फायर एलिमेंट। कानों से जब सुनता हूं तो हमारा ये आग पैदा कर देती है। आग फायर एलिमेंट का केवल आग का चिंगारी नहीं है, बर्फ भी फायर एलिमेंट का एक अंश है। जो ठंडी एवं गर्म, ये दोनों मिलके फायर एलिमेंट होती है। तो ये कभी अच्छी बातों से हमको शांत कर देते हैं, और गुस्सा बोलने वाला बात बोल देते हैं तो हम गुस्सा पैदा करके हमको आग पैदा कर देती है। तो ये मन को संतुलन करना है, तभी हमारा बीमार भी वहां पे ठीक हो जाती है। और पांचवा स्थिति क्या होती है ना, हम खुद को पहचाने। जब तक हम खुद को पहचानता नहीं, तो हम गौ माता को कैसे पहचानेंगे, पृथ्वी माता को कैसे पहचानेंगे? मैं जब खुद को रक्षा नहीं कर सकता हूं, तो मैं कैसे गौ माता को रक्षा कर सकता हूं, कैसे पृथ्वी माता को रक्षा कर सकता हूं? मैं एक नून का पुतला हूं, कैसे मैं इसको मेजरमेंट कर सकता हूं? तो पहले ये नून का पुतला को एक कॉस्मिक एनर्जी का कनेक्शन के साथ मिल जाए, तो कवरिंग मिल जाए, तो नून का पुतला कभी गलेगा नहीं, पिघलेगा नहीं। तो इसीलिए जो हमारा शास्त्र में कहा जाते हैं, दीजो, जब तक
आत्म दर्शन नहीं होती है तब तक हमारा जन्म हुआ ही नहीं। जन्म तो हुआ माँ के जठर से हम लोग आए हुए हैं, लेकिन अभी भी पृथ्वी माँ का गर्भ में हम झूल रहा हूं। कब मुक्त होगा? जब हमारा आत्म दर्शन होगा। तो ये पांचों सीढ़ियां था हमारा बीमार को ठीक करने के लिए। तो आज हम लोग आज जो पहला सीढ़िया में सारे डॉक्टर लोग जो हमारा आज काम कर रहा है उसी में केवल केमिकल जो मेडिसिन दे रहा है और नहीं, सारे जो केमिकल मेडिसिन कम से कम हम लोग इससे बचा सकता हूं तो गौ माता का पंच गोबो के द्वारा जो हमें नेचुरल मेडिसिन के द्वारा नेचर हमको रक्षा कर रहा है उस नेचर के द्वारा हम अपने इस शरीर का नेचर को रक्षा कर सकता हूं। इसीलिए हम लोग यहां पे एकत्रित हुई हुई है। बहुत बहुत बधाई निरंजन वर्मा जी को और सभी हमारा साधु महात्मा सबको और आप लोग को अंदर में सारे महान आदमी जो महान आत्मा जो बैठे हुए हैं वो महान आत्मा को प्रणाम। और हम जो महान व्रतले को ये अपने को समाज को देश को संसार को बचाने के लिए जो हम इस रास्ता में आए हुए हैं इसीलिए सबके लिए बधाई है। मैं सबका अच्छा मंगल और जो पीसफुल लाइफ कामना करते हुए यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हम सभी सम्माननीय सूर्य योगी जी के कृतज्ञ हैं कि अपने बहुत छोटे से आग्रह पर और इतना बड़ा समय 3 दिन का निकाल लेते हैं। तो हम सभी जो है इनके आभारी हैं। और कल जो है आप सभी का जो दीक्षांत है उसकी तैयारी जो है इन्होंने की है। और अभी इस सत्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय शुरू होगा, गोधूली वेला प्रारंभ होने वाली है थोड़ी देर में। और हमारी भावना जो है कि गोधूली वेला में ही गवसिद्ध भाग 3 का विमोचन हो। और इसके साथ जो है इस बार एक और पुस्तक तैयार की गई है गवसिद्धर निर्देशिका, जिसके बारे में मैंने सुबह आपसे बात की थी। तो मैं निवेदन करूंगा विशाल भाई से कि आप गवसिद्ध भाग 3 जो है विमोचन के लिए मंच पर लेकर के आएँ। और आज की सभा में उपस्थित सभी अतिथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी मिलकर के गवसिद्ध भाग 3 को जो है रिलीज करें। विशाल भाई आप